राम राम भाई साहब, आज 124वां दिन मेरे डेली के मिनी ब्लॉग का। तो आज दिन की शुरुआत करता हूँ फिर से 5 बजे उठ के पढ़ाई करने से, जिसके बाद लेवा चपूत के जल्दी से तैयार होने के बाद पेड़ों के लिए मिट्टी कम पड़ गई होती है, इसलिए कल की तरह आज फिर से मिट्टी लाने चला जाता हूँ ग्राउंड से, जहाँ रास्ते में बची हुई रोटियाँ कल की मैं गायों को खिला के उनकी सेवा करके पहुँच जाता हूँ अपनी वॉक को पूरा करने के बाद ग्राउंड के उस वाले जगह पे जहाँ से मैंने कल भी मिट्टी उठाई थी। उसके बाजू में थोड़ी देर खोदने के बाद मैं सनराइज होने का ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए सारी मिट्टी को बोरे में भर लेता हूँ, जिसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके मैं मिट्टी से भरे बोरे को कंधे पे उठा के वापस घर चला आता हूँ। जिसके बाद पूजा पाठ करने के बाद अपने टेम्पो के यहाँ आके खड़े होके विटामिन डी लेते हुए कैनल की तरफ देखने लगता हूँ, जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था। जिसके बाद वापस घर में आके देखता हूँ कि मम्मी का खाना बनाने का काम चल रहा होता है, इसलिए मैं जल्दी से प्याज और मिर्ची काट के खुद के लिए पोहे बना लेता हूँ नाश्ते के लिए। फिर मैं टीवी में यूट्यूब लगा के एक मांगा की एक्सप्लेनेशन देखने लगता हूँ। जिसके बाद दोपहर के वक्त धूप में थोड़ी देर मेहनत करने के बाद सारी घास को साफ करके पेड़ों के यहाँ अच्छे से मिट्टी को सेट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं हाथ मुंह धो के आराम से बैठ के सारे अनारों को छीलने के काम में लग जाता हूँ, जिसके बीच एक पेड़ खा के सारे अनार को छीलने का काम पूरा करने के बाद थोड़ी देर आराम करके शाम के वक्त मंदिर चला जाता हूँ शनिवार होने की वजह से दिया लगाने के लिए। फिर वहाँ से घर वापस आने के बाद मैं दूध लाने के लिए चला जाता हूँ, जिसके साथ इस दिन का मिनी व्लॉग यहीं खत्म होता है। आप सबको मेरा राम राम।